नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जोड़ तोड़ जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी की नई नवेली पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF से गठबंधन किया है। अब्बास सिद्दीकी अपने समर्थकों के बीच भाईजान के नाम से मशहूर है। वो हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ में मौलाना है। वो फुरफुरा शरीफ के पीर ज्यादा भी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से गठबंधन किया है। इसको लेकर अब पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। शर्मा ने हिंदी में अपने ट्वीट में लिखा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। आनंद शर्मा के इस खुले विरोध के बाद प्रियंका गांधी को खुद बचाव में उतरना पड़ा। उन्होंने न्यूज चैनल NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख इस पर पहले ही जवाब दे चुके हैं, लेकिन असम में जो लड़ाई चल रही है वो असम को बचाने के लिए ही है। ये असमिया लोगों की पहचान और असमिया राज्य के लिए है। बेशक विचारधाराओं में अंतर है, जिस पर हमारे गठबंधन सहयोगी विश्वास करते हैं, हम उससे 100% सहमत नहीं हो सकते, लेकिन इस लड़ाई के लिए हम साथ हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये जंग असम को बचाने के लिए है। दरअसल आनंद शर्मा के इस ट्वीट का जवाब देने में अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि वे कांग्रेस के चुनिंदा असंतुष्टों के समूहों से आग्रह करेंगे कि अपने कंफर्ट स्पॉट से बाहर निकले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना बंद करें। चौधरी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस बंगाल में माकपा नीत उस लेफ्ट फ्रंट की सहयोगी है, जो बीजेपी को हराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पार्टी के इस फैसले का बचाव किया है। उन्होंने NDTV से बातचीत में कहा कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF सांप्रदायिक नहीं धार्मिक संगठन है और इसकी नीतियां सांप्रदायिक नहीं है। तारिक अनवर यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि आनंद शर्मा को इस मसले पर ट्वीट करने की बजाय सीधे अधीर रंजन चौधरी से बात कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को पार्टी मंच पर राय देने का हक है, बाहर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।